सब तुम्हारा करम है सतगुरु की बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु की बात अब तक बनी हुई है किसी को किसी को आला क्यों बताए तुमसे ही लो लगी हुई है ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु ये बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है सतगुरु तुमसे ही मांगे ये तुम ही दोगे तुमसे ही मांगे ये तुम ही दोगे ये तुमसे ही मेरी लो लगी हुई है ये सब तुम्हारा करूं है सतगुरु की बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करूं है सतगुरु क्या ऐसा लगता है ये बोलना ही बोलना इसके बिना तो अब काम नहीं बनने वाला इसी से काम सारे बन रहे हैं बात अब तक उन्होंने बनाई हुई है कैसे गुरु जी की कैसे कृपा का है कैसे सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे काम करते हैं बहुत कृपा है बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम अवगुणों से हम मरे हैं गुण बहुत हैं कम अवगुणों से हम मरे गुण बहुत है कम बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम होता है ज्योति बिना जैसे दिया बेनू जैसे दिया बेनू होता है ज्योति बिना जैसे दिया बेनू जैसे दिया बेनू चलती फिरती हमकी लाशें जिंदगी से दूर जिंदगी से दूर चलती फिरती
ज्ञान दे कर जान डाली कर दिया करम बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम तन था मैला मन था मैला ती नजर मैली नजर मैली हो गई जीवन के चार इस कदर मैली इस कदर मैली आज चमके दे न पाए हम बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम ये खुराकें ये पोशाकें और ये सिंहासन और ये सिंहासन ये खुराके ये पोशाके और ये सिंहासन और ये सिंहासन हम कहते इनके काबिल Oh.
सोच को अपनी बंद करो अंदर में, जब जब आए घटनाक्रम से
इस सोच को नहीं, ईश्वर के द्वारा हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो मेरे कर्म कट रहे हैं, हमारे तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, और हम लोग ना करें, क्योंकि हम अपने कर्म अब बनाएंगे थोड़ा उल्टा करके। भले इसका कर्म कुछ भी हो, इसको कर्म का हम देने वाले विधाता थोड़ी ना है। हमसे तो जो गुरु जी बोलेंगे हम वो करेंगे। गुरु जी कह देंगे इसको डांट दो, डांट देंगे। गुरु जी कहेंगे इसको प्यार करो, प्यार कर लेंगे। हमें मतलब नहीं है कि हमें अपने आप कुछ करना है, हमें तो गुरु जी के विचार से चलना है। तो अपना कर्म काटना है, कर्म बनाना नहीं है। प्रारब्ध से ही तो जो है अगल बगल वो हम भोग रहे हैं। तो अब हमें गलत कर्म नहीं करना है, क्योंकि अब हमें गुरु के विचार से करना है। हमें किसी के साथ भी, किसी की भी इंसल्ट नहीं करनी, किसी के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि यही मेरा अभिमान शुरू हो जाता है। उसके कर्म का फल भगवान से है, हम क्यों करें? वो जाने उसका काम, जाने हम क्यों करें? वो उसका अंदर का भाव हो जाने, वो ठीक करे, हम अपने अंदर का भाव ठीक करें। ये बहुत जरूरी है। तभी ने ये हस्ती भले ईश्वर तुल्य कोई समझ के लाभ ले रहा हो, लाभ उसे मिल रहा हो, क्योंकि उसने भाव पत्थर में डाल देता है व्यक्ति भाव, तो उसे वहां से लाभ मिलने लगता है। तो इंसान में अगर डाल के उसे लाभ मिलने लगा, हम लोगों को लाभ गुरु जी में डाला तो तभी तो मिला कि ये मेरा भगवान है, मिलने लगा लाभ। और उनकी हर उल्टी सीधी हरकत में हमने अपनी अपना को यही माना कि ये मेरे लिए मेरा हित कर रहा है, मेरा कोई कर्म काट रहा है। ये विश्वास, ये जैसे कहना चाहिए, ये निश्चय जिसको कहना चाहिए, विश्वास भी नहीं, ये निश्चय, ये हर मोड़ पे हमारी तुम्हारी परीक्षा लेता है, हर जगह हमारे तुम्हारे निश्चय में रहने का ही, कि अपने वायदे से हम नहीं मुकर रहे। तो ये तो हमारा निश्चय है कि मेरा भगवान है ये। तो भले इसको अभी स्थिति ऐसी दिख रही है कि जिसमें शंका आ सकती है गुरु में, लेकिन नहीं, हमें नहीं शंका करनी है। उसकी उसकी कर्म को देख के हमें शंका में नहीं आना है। तो ये कब होगा? अभी तो एक गुरु जी से ही हम लोगों को सब रहता था पहले। अब गुरु जी से के बाद तो जन जन में ये है, ये विस्तार होना है कि जन जन में ऐसा हो। अभी तो एक गुरु पे ही हमारी तुम्हारी निश्चय बुद्धि नहीं है। तो निश्चय आत्मा की तो जय कहा गया है, गीता में बोला है ना, निश्चय आत्मा की जय है, अनिश्चय आत्मा नहीं। संशय आत्मा मत बनो, संशय से तो नुकसान होता है। संशय हो गया, पता नहीं ये ऐसा तो नहीं, पता नहीं इसने मुझे घोड़ी पे बैठाया है तो इसका कोई काम तो नहीं। यही तो नामदेव जी को आ गया था, अपना निश्चय में ही तो पहले ही अपने निश्चय से ही उन्होंने मांग भगवान से करी, तो भगवान घोड़ी लेकर आ गए, सही स्वरूप बन के, कुछ भी बन के, मुसलमान बन के जो भी। और उसके बाद क्या, अपने ही निश्चय में ढीला बना गया, सब शंका आ गई, संशय आ गया कि ये ऐसा तो नहीं, इसने घोड़ी पे मुझे इसलिए बिठाया क्योंकि इसका स्वार्थ है। तो अपने निश्चय में तो हमारे तुम्हारे कमी आ जाती है, घटनाक्रम देख के। निश्चय हमारा बलशाली है। गुरु जी के एक क्या नाम था उनका, शायद नरेंद्र नाम था भैया का, जो गुरु जी के भक्त थे, उन्होंने जो गुरु जी की जीवनी लिखी है उसमें यही तो लिखा है कि निश्चय तेरा अति बलशाली हो, तू देखेगा, तू जानेगा, जब अंतर मन तेरा खाली हो तब तू उसको जान पाएगा। अंतर मन कैसे खाली होगा? मेरा जब निश्चय है कि मेरा भगवान है, उसके बाद वो जो भी कर रहा है मेरे लिए सही कर रहा है। इस समय सही किया, इस समय गलत किया, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, ही तो निश्चय में हम अपने ही निश्चय से तो गिरते हैं, दूसरे के निश्चय से तो ना गिरते हैं। तो अपने निश्चय में ही हम अपने ही कहते नहीं है, अपनी ही सोच पर विश्वास नहीं है, अपनी ही शब्दों की गरिमा नहीं है, वाणी की गरिमा नहीं है। बोले ये सब धन है हमारे पास, इन सब का सदुपयोग करना हम सीखे। व्यर्थ वाणी हम अभिमान की कभी ना बोले, जो कर पाए हो जाए, निश्चय अंदर हो जाए तो भगवान का शुक्राना करें, क्योंकि उसने ही तो ये धारणा हमारे अंदर या स्थितियां परिस्थितियां ऐसी करी कि हम उस निश्चय पर
अडिग रह पाए, नहीं तो अगर वो साधन ना पैदा करे तो हमारा निश्चय भी घटनाक्रम से खत्म हो जाता है। तो ये भी उसकी तो कृपा है, मेरा अभिमान, मेरा क्या चीज है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। कभी तो भक्त कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तो को सौंपता क्या लागे है। तो ये बात बोलने की नहीं है, ये अंदर में समझने की है। अंदर में जब जब बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है ना कि प्रहलाद पे कैसी भी आफत हुई उसने क्या किया, मीरा पे कैसी भी आफत हुई उसने कहा नहीं ये फलाना कर रहा ढिका नहीं कर रही है, मीरा ने कभी कहा, हमारी सोच में तो ये बात रहती है, अब बोल नहीं पाते लेकिन मेरी सोच में तो रहती है कि फलाना मुझको कष्ट दे रहा है, ढिमकानी कष्ट दे रही है, या फलाने ने ऐसा मुझे गलत समझाया, ढिमकाने ने, मेरी मजबूरी ना हो, पता नहीं क्या क्या मन सोचता है, पता नहीं क्या क्या सोचता है। तो बोले उस सोच से ही तो हमने निकलना है, बाहर कुछ नहीं, इसीलिए कहा है सारी साधना तो अंदर की है, बाहर तो कुछ करना ही नहीं है। अंदर की साधना में बाहर तो खेल है, परमात्मा के द्वारा रचा हुआ, उसमें तो हमें भगवान देखकर अंदर अपनी सोच में अपने भाव में बहुत शुद्धता है, अशुद्धता है भाव में, इसीलिए काम बनते नहीं है। अशुद्धता रखो बाहर के खेल में कुछ भी हो, शुद्धता अशुद्धता कुछ भी हो, अंदर अशुद्धता अगर है तो हम ही तो देह बुद्धि में पड़े हुए हैं, हम कहाँ से ज्ञानी है, कहाँ से हम ध्यानी है, न ज्ञानी न ध्यानी कुछ भी नहीं, ना भगवान का ध्यान है ना उनका ज्ञान है। ये सारा ज्ञान है भगवान का ये कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, सारा खेल मेरा द्वारा रचा हुआ है, ये संसार का सारा खेल उसके द्वारा तो रचा हुआ है, हमारा आपके द्वारा रचा है। बोले सब मालूम है क्या होना है, बड़े बड़े खोजी कहते हैं एक पैरेलल दुनिया चल रही है, जो हो चुका है वो हो रहा है या जो होना है वो दिख रहा है, पैरेलल चल रहा है मामला, यही घटनाक्रम कहीं और घट रही है ऐसा बोलते हैं या घट चुकी है कहीं। तो ये सब खोजी लोगों ने बड़ी बड़ी खोजना इस आत्मा के लिए परमात्मा के लिए करके बहुत सारे अपने अनुसंधान किए और उन अनुसंधानों से ही उन्होंने जाना है कि हाँ एक कोई बहुत बड़ी पावर है उसको ही ये संसार चला रही है। तो अगर देह बुद्धि से हम लोग उसका अहंकार करने लग जाए, अपने कर्म का सामने वाले के कर्म को खराब अंदर में समझ रहे हैं, बाहर नहीं कुछ कर रहे हैं ये अंदर में खराब समझ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है, कहाँ ज्ञानी है, हमें पंडित कहाँ है, हम तो मूर्ख हैं, हमें ज्ञान का और अपने कर्म का अहंकार चढ़ा हुआ है अंदर में। तो अंदर के अहंकार को ही तो वो रद्द करता है और क्या करता है। जब तक राजा की कहानी नहीं सुनी थी, कबीर दास जी के पास ही तो आए थे वो अपना राजपाट छोड़ के ज्ञान लेने, जब वहां पहुंचे तो 7 साल हो गया, 7 साल हो गया उनको सेवा करते करते, तो उनकी माँ को तरस आया, उन्होंने कहा बेटा ये 7 साल से है तुम्हारे पास, इसको कम से कम वो तो करो, कुछ तो दो इसको, अब इसको पर नजर डालो। तो बोले माँ ऐसा करना आज इन पे कूड़ा डाल देना, जब मैंने कुछ सामान लेने बाजार भेजूंगा। तो माँ ने वही किया, तो क्या हुआ, बड़ी आंख तला रही ऐसे करके और चुप रह गए, क्योंकि गुरु के घर के ऊपर छत के ऊपर से कूड़ा आया था। तो मनमानी क्या सोचा, मेरा अगर होता देश मैं यहाँ ना होता तो मैं बताता इस कर्म का फल देता अच्छी तरह से, एक ही बार में कैट डालता, अंदर सोचा ये। लेकिन जैसे ही जो है वो कहा था कबीर ने कि देख लेना माँ क्या दशा होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है उस कूड़ा डालने का। तो माँ ने कहा बेटा तू सही था, भी बड़ा अहंकार है, क्या हम अच्छा कर्म कर रहे हैं सामने, है मेरे पे कूड़ा किसी ने कैसे डाला इतने अच्छे कर्म के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 साल और बीत गए, 14 साल हो गए, एक दिन की बात नहीं 14 साल। 7 साल के बाद फिर कबीर ने कहा माँ ऐसा करना आज इस पे लेटरिन डाल देना,
सारी इकट्ठी कर लेना और सब डाल देना कड़े में, कड़ा इसके ऊपर रख देना, जब बाहर भेजूंगा मैं से। जब लैट्रिन उलट दी तो उस राजा का ये हाल था, साधना करते करते मेरे कर्म तो भगवान ऐसे है, ये बहुत कम सजा है, ये तो बड़ी माफी वाली बात है। और दिमाग कहाँ गया कि गुरु की दीवार पे छींटा तो नहीं आ गया, तो छींटा ये कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी दशा है कि अहंकार हमें कितना है, इस देह के अहंकार कितना है, कितनी प्रज्वलित है अंदर में ये ज्योति है। और हम ज्ञान की ज्योत, आत्म की ज्योत जलाने की बात कर रहे हैं, बोले इस ज्योत को तो पहले देखो और कहे कि किसको इस ज्योति के पीछे पड़ जाता है दर्शन कराने, क्योंकि जिसका जो भक्त वास्तव में होता है, सच में जो भक्त है ईश्वर का, सच में जो गुरु का भक्त है, उसी के साथ तो ये सारी परीक्षाएं होती हैं, उसी को तो अहंकार को गुरु छिन्न भिन्न करता है। हमारे तुम्हारे अहंकार को तो छिन्न भिन्न करेगा, क्योंकि हम ही तो उसके मार्ग में लगे हैं, लेकिन हम इसको गलत समझ रहे हैं, हम सामने वाले को दोष दे रहे हैं। और अपने सामने वाले को दोष देने का अर्थ है अपने कर्म को ज्यादा समझना, अपने आप को ज्यादा समझना, अपनी मजबूरी समझना। जैसे राजा को हुई थी 7 साल पहले, मेरा देश होता तो मैं कहते नहीं, क्या मजबूरी है, ये तो गुरु के देश में मैं पढ़ा हूँ, मजबूरी है साहब। तो ये मजबूरी का ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का ज्ञान है, ये अभिमान का नहीं है, निराभिमानता में आने का है, निराभिमानता में आने का भी नहीं है, इस बात का ज्ञान हो जाने का है कि एक वाणी भी निकल रही है तो उसकी मर्जी से निकल रही है, अन्यथा वाणी भी मौन हो जाएगी, उसकी मर्जी ना हो तो कुछ नहीं कोई कर सकता, एक हाथ भी उठा नहीं सकता, कहने को कहेगा मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ये लूंगा लूंगी होता है, नहीं तो वास्तव में कुछ नहीं कर सकते हम, अगर वो नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक झटके में बोले ना वो हड्डी पसली तोड़ देता है, एक केले के चिपके में क्या कर सकते हैं, बताओ करने का दम करते क्या कर, क्या कर सकते, कुछ नहीं। तो अभिमान से ही उसको परहेज है, इसलिए अभिमान के लिए हर समय आत्मा में रह के उसको तके रहना, उसके विचार से नहीं चलना, चलना गुरु के विचार से, अंदर में चलने की बात हो रही, बाहर नहीं, अंदर में हला वला करके रहना है कि कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, जो कुछ भी उल्टा सीधा मिल रहा है गुरु जी के माध्यम मिल रहा है तो सवाल ही नहीं, और भी के माध्यम मिल रहा है तो भी भगवान ही है हमारे तुम्हारे कर्म को काट रहा है, हमें निश्चल बना रहा है, निर्मल बना रहा है। और भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, हे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्मा, उसी का एक उल्टा भजन भी बन गया, क्या निर्मल चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तुम्हारे, पता नहीं कौन सा भजन है, वो भैया गाते सुंदर, मन ही मन मुस्कान, ऐसी चादर में मन ही मन मुस्काया जाता है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं मुस्काने की बात, अंदर अंदर मुस्कुराता है भजन भक्त इस बात से कि अरे वाह तुमने तो कैसी चादर मेरी कर दी निर्मल हो गई, अब राग और द्वेष नहीं होता, तेरा मेरा नहीं होता, मैं मेरा नहीं होता, मैं तू नहीं होता, हर जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू नजर आने लगा। ये अभ्यास है अंदर का, कहते हैं ज्ञान सारी साधना अंदर की है, बाहर तो खेल है, बस खेल है, खेल में अंदर जब जाते हैं वहां हमें सजगता से सतर्कता से गुरु के विचार से साधना करनी है, क्योंकि सारा खेल गुरु के द्वारा रचा हुआ है, ये सृष्टि भगवान ने रची है, तो इसमें उसके खेल चल रहे हैं, उसके पात्र इधर उधर घूम रहे हैं, ले दे रहे हैं, कर बन रहे हैं, जो हो रहा है वो उसके, गुरु जी कहते हैं एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए,
बताओ मन में लय किसने उठाई, हम लोग को तो अपने गुरु पे और जैसे कहते हैं और पक्का विश्वास हो गया। दो बच्चों की गई थी, नाम गए थे दो बच्चों के, दो में से एक का लॉटरी निकला, एक का नाम निकला, क्यों उसी का निकला, उसका भी तो निकल सकता था स्कॉलरशिप के लिए, सोच के देखो। तो ये कौन है, गुरु जी की एक एक बात, एक एक लाइन जैसे जीवन में अनुभव में आई है, उनका एक एक भाग के अनुभव में आ रहा है। गुरु जी बोले ना, एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए। गुरु जी ने अपनी वो बात बताई थी कि मेरे घी लेने का था, ले नहीं पाया था सत्संग के, उससे लौटे तो कराने के खाने पीने की जल्दी थी इसलिए नहीं लिया, जाते समय सत्संग में पहुंचना है समय से इसलिए नहीं लिया, लेकिन मन में था कि लेना है भी। घर पहुंचे तो खाने पीने की जल्दी थी इसलिए सीधा घर गए सत्संग से। वहां पहुंचे तो क्या देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा 1 किलो का घी का डिब्बा रखा है, अनेक घी। तो बाबू जी से पूछा ये कौन लाया, बाबू जी बोले कुछ नहीं मैं लाया हूँ, मैं ले रहा था सिगरेट की दुकान पर, खड़ा हुआ पान के पास सिगरेट ले रहा था तो उसने बताया बाबूजी बहुत अच्छा घी आया, नया आया नया लॉन्च हुआ, आप ले जाके देखिए बहुत अच्छा है। बोले मैंने ले लिया। तब गुरुजी ने कहा देखो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक अकेला सब करे मन में लहर उठा, ये मन में लहर उठाने वाला बाबूजी के अंदर कौन था, उस पान वाले के अंदर कौन था जिसने कहा कि बाबूजी ले लीजिए नया लॉन्च हुआ है। बाबूजी ने उसका कहना मान के ले लिया, और चाहिए तो गुरुजी को सत्संग के कारण ले नहीं पाए, लौटते समय घर के काम पे जल्दी भी होती थी कि भैया खाना पीना बनाना है इसलिए नहीं ले पाए। तो वो एक अकेला सब करे मन में लहर उठे, ये बात सही हो गई ना, अनुभव वाली हो गई, वास्तव में वही लहर उठा के हम लोग के अंदर, तेरे अंदर वो लहर उठा के काम करता है तो मेरे अंदर भी तो लहर उठा के वो तेरे लिए करता है, ये भी तो सोचो। ये तो ना कि मेरे अंदर लहर उठ गई तेरी तो तेरे अंदर नहीं, तेरे अंदर भी तो वही लहर उठती है, मेरे लिए उठती है, मेरे अंदर उठती है लहर तेरे लिए, तो क्या अभिमान की बात है बता दो। इसमें एक दूसरे का करते हैं तो क्या अभिमान की बात है, हमने किया उसने नहीं किया, उसने किया हमने नहीं किया, दे भाव ऊपर के तल पे सब है, अंदर के तल पे तो बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है, कहाँ से होगी। कैसा गुरु जी का सच्चा अच्छा ज्ञान है, बिल्कुल सच्चा, सत्य की कसौटी पे खरा होता ऐसा ज्ञान। कुछ भी जैसे कहना चाहिए कि डायलॉग नहीं है, ये सब गुरु जी ने हम लोगों को अपने साथ रख रख के दर्शन कराए हैं, उन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के हर दृश्य से अवगत कराया है, हर घटनाक्रम से इतना प्यार करने वाले कि अपने ही घर वालों के इधर का उधर का सब की बात बता के ये करके वो करके दृश्य दिखा के और उसमें वो कैसे खड़े रहे ये उन्होंने दिखाया, कैसे भी हालात हुए अच्छे ना अच्छे में दोहराए और ना खराब में घबराए, कुछ नहीं दोनों में ही उनका देखा तो उन्हें ही समता योग में जीते देखा और किसी को ना देखा, ऐसा समता योग बना है एक साथ, दोनों तल पे जीने वाला दोनों के हिसाब से, देह के तल पर निराभिमानता और आत्मा के तल पर ऐसा अभिमान कि कोई है ही नहीं उसके पास, उनके पास दोनों कितना बोलते कहते कितनी अगर देखो तो लगेगा बड़े अभिमानी है, मेरा कहीं और जाए बोले मैं किसी की पतंग नहीं काटता, मेरी कोई काटे तो मुझे पसंद नहीं आता, मतलब मेरे भक्त कोई कोई खींचे तो अब लगेगा बड़े अभिमानी है बस अपने ही भक्त, लेकिन सच्चाई क्या थी, भक्तों का भला होता है इसमें,
हमारा तुम्हारा भला, हम भटक जाएंगे रंगीनी देख के तो हमारा तुम्हारा नुकसान। तो ये इसीलिए तो गुरु जी इससे उनका चित्त बंधा है ना, चित्त की डोर हित से बंधी है। तो हित ही हम सबका करते हैं, जब भी करते हैं तब करते हैं, जहाँ बैठ के करते हैं यही करते हैं, चाहे बोल के चाहे करके चाहे जैसे, विश्वास निश्चय, इसमें विश्वास भी नहीं, निश्चय कि मेरा गुरु जी मेरे भले के लिए सब कर, निश्चय ही हमारा तुम्हारा काम होता है, अपना निश्चय दृढ़ रख। अनिश्चय बोले निश्चय, संशय आत्मा ना बनो, निश्चय आत्मा, निश्चय आत्मा की जय सब जगह हुआ है, हर देश में हर वेश में तेरे नाम अनेक तुम्हें।